ये है 2024 में आने वाली नई इलेक्ट्रिक कार्स। अच्छा, 2024 में आने वाली हैचबैक्स, एमपीवी, सेडान्स और एसयूवीज के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियोस कर चुके हैं, जो आप कभी भी व्हाट कार इंडिया यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले अपडेट्स को आप मिस ना कर दें। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं 2024 में लॉन्च होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट ईवीज से, जिनमें सबसे पहली है मारुति सुजुकी ईवी एक्स। काफी सालों के वेट के बाद फाइनली 2024 में मारुति सुजुकी ईवी मार्केट में एंटर करने वाली है, जिनमें उनकी सबसे पहली ऑफरिंग है ईवी एक्स, एक 4.3 मीटर लॉन्ग मिड साइज एसयूवी जो इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगी। इसका कंसेप्ट तो हमने पहले ही कवर किया हुआ है। 2700 mm का इसका व्हील बेस होगा। दो बैटरी पैक के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, 48 किलोवाट आवर जो कि 400 WLTP रेंज वाला होगा, और दूसरा है 60 किलोवाट आवर जो 500 किलोमीटर WLTP रेंज देगा। पावर ट्रेन में भी आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक सिंगल मोटर होगा जो 138 हॉर्स पावर डेवलप करेगी, और दूसरा 170 हॉर्स पावर डेवलप करने वाला ड्यूल मोटर ऑल व्हील ड्राइव वर्जन। एक्सशोरूम प्राइसेस की एक्सपेक्टेशंस है कि वो 18 लाख से शुरू होंगे और लेट 2024 तक ये इंडिया में आएगी। और EVX के लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद बहुत ही जल्द हमें टोयोटा का EVX वाला वर्जन भी देखने को मिलेगा। अच्छा, जब बात EVs की होती है तो एक ऐसे इंडियन कार मैन्युफैक्चरर हैं जो EV मार्केट में काफी स्ट्रांग गेम प्ले कर रहे हैं, टाटा मोटर्स। और 2024 में टाटा 3 न्यू EVs आपको ऑफर कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहली है टाटा Punch.EV। Punch.EV को काफी टाइम से टेस्ट होते हुए स्पॉट किया जा चुका है। स्पेक्स के बारे में डिटेल्स तो कम है, बट वी एक्सपेक्ट Punch.EV में टियागो EV जैसे ही 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक होगा, जो कि लॉन्ग रेंज वाले में आता है, जो पावर करेगा 75 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर को विद ऑफिशियल रेंज फिगर्स क्लोज टू 300 किलोमीटर्स। अर्ली 2024 में आने की उम्मीदें हैं, एंड अलोंगसाइड दैट हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सशोरूम प्राइसेस 13 lakh rupees के आसपास होने चाहिए। और टाटा मोटर्स की नेक्स्ट ईवी ऑफरिंग है टाटा Harrier.EV। Harrier को अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स ने रिफ्रेश किया है, और लेट 2024 में Harrier लाइनअप को ज्वाइन करेगी Harrier.EV। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट 2023 ऑटो एक्सपो में टाटा ने डिस्प्ले किया था, और जो प्रोडक्शन कार का लुक होगा वो काफी हद तक सिमिलर होगा टू द कॉन्सेप्ट। और डीजल Harrier से इसका बम्पर और व्हील्स डिफरेंट होंगे। इंटीरियर में कैबिन कलर्स में भी चेंजेस हो सकते हैं टू क्रिएट सम डिफरेंसेस। और हाँ, फ्लैट फ्लोर भी आपको मिलेगा, जिसका मतलब होता है कि जो Harrier का प्लेटफॉर्म है ना, उसको बहुत ज्यादा री इंजीनियर किया गया है। पावर एंड रेंज डिटेल्स अभी शेयर नहीं हुई है, लेकिन सोर्सेस से हमें पता चला है कि इसकी रेंज 450 से 500 किलोमीटर के बीच होगी। ड्यूल मोटर सेटअप होगा, मतलब ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी फाइनली Harrier को मिल जाएगी, भले ही वो ईवी फॉर्म में क्यों ना मिले। प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन है कि 30 लाख रुपए से शुरू होने चाहिए। और अगर आपको ये 30 लाख रुपए का प्राइस पॉइंट एक ईवी के लिए बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपको एक टाटा की ही ईवी चाहिए, तो आप लोगों को वेट करना चाहिए टाटा Curvv के लिए, जो मिड 2024 में आएगी। और इसके प्राइस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि एक शोरूम शुरू होंगे 20 लाख रुपए से। टेक्निकल डिटेल्स इसके लिए भी ज्यादा नहीं लीक हुई है अभी तक, लेकिन टाटा Curvv को पावर कर सकती है सेम 145 इलेक्ट्रिक मोटर जो टाटा Nexon.EV को पावर करती है। साथ में होगा एक 40.5 किलोवाट आवर तक का बैटरी पैक फॉर द रेंज क्लोज टू 400 किलोमीटर। और हाँ, एक जरूरी बात और, कर्व पहले अपने .EV फॉर्म में लॉन्च होगी, और उसके बाद बहुत ही जल्द उसका आइस वर्जन भी मार्केट में आएगा। इस मिड साइज एसयूवी को कूपे डिजाइन मिलेगा शार्प स्टाइलिंग के साथ। इंटीरियर में मिनिमलिस्ट अप्रोच मिलेगी विद डिजिटल डायल्स, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम में 360 डिग्री कैमरा भी होगा। अच्छा, जब टाटा इतनी सारी न्यू ईवीज ला रही है तो महिंद्रा कैसे पीछे रहे? इसीलिए 2024 में महिंद्रा अपने बिग ईवी प्लान में से सबसे पहले ईवी को लॉन्च कर सकती है, जो होगी महिंद्रा XUV.E8, जिसको आप XUV700 का इलेक्ट्रिक वर्जन भी मान सकते हैं। हालांकि स्टाइलिंग थोड़ी सी शार्प कर दी गई है विद द हेल्प ऑफ रीवर्क फ्रंट एंड, साथ में डिफरेंट व्हील्स, और हाँ, पहले से और भी ज्यादा फ्लैम पॉइंट लाइटिंग सेटअप। इंटीरियर में भी अपडेट्स हैं, जैसे कि फुल विड्थ कर्व डिस्प्ले, जिसमें फ्रंट पैसेंजर के लिए भी साइड स्क्रीन होगी। देखने में भले ही ये XUV700 से मिलती हो, लेकिन XUV.E8 बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये बेस्ड है महिंद्रा के इनग्लो ईवी आर्किटेक्चर पर, जो 60 किलोवाट आवर और 80 किलोवाट आवर बैटरी पैक को सपोर्ट करता है। एंड चांसेस आर 80 किलोवाट आवर XUV.E8 को पावर करे विद WLTP रेंज ऑफ 450 किलोमीटर्स। E8 के साथ 340 हॉर्स पावर ड्यूल मोटर ऑल व्हील ड्राइव अरेंजमेंट डेब्यू हो सकता है, साथ ही सिंगल मोटर फ्रंट व्हील ड्राइव तो होगा ही। मिड 2024 में लॉन्च हो सकती है विद द एक्सपेक्टेड प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 35 lakh rupees। और क्योंकि सब मेजर ब्रांड्स अपनी न्यू ईवीज इंडियन मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो भला Hyundai कैसे पीछे रह सकता है? और इसीलिए वो भी अपनी न्यू ईवी 2024 में लेके आएंगे, जो होगी क्रेटा ईवी, Hyundai की फर्स्ट मेड फॉर इंडिया ईवी। अच्छा, 16 जनवरी को क्रेटा का फेसलिफ्ट आने वाला है, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन दबा दो, ताकि वॉक अराउंड को आप मिस ना कर दें। हालांकि क्रेटा ईवी की स्टाइलिंग में काफी डिफरेंसेस हो सकते हैं, हाउएवर कैबिन के अंदर काफी हद तक सेम ही होगा। 45 किलो
किलोवाट आवर का बैटरी पैक क्रेटा ईवी को पावर कर सकता है विद द क्लेम रेंज ऑफ क्लोज टू 400 किलोमीटर। 130 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर जो कोना को पावर करती है ना, वो हो सकता है कि क्रेटा ईवी को भी पावर करे विद द टॉर्क आउटपुट क्लोज टू 400 न्यूटन मीटर। 2024 के एंड तक ह्यूंडई क्रेटा ईवी रिवील होगी और प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन है कि एक्स शोरूम 23 लाख रुपीज से शुरू होने चाहिए। ह्यूंडई की सिस्टर कंपनी किया भी इंडिया के ईवी मार्केट को काफी सीरियसली ले रही है, इसीलिए 2025 में वो भी अपनी फर्स्ट मेड फॉर इंडिया ईवी लॉन्च करेगी। लेकिन उससे बेटर न्यूज ये है कि 2024 में किया अपनी ग्लोबल इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप एसयूवी जो है किया EV9 उसको लॉन्च करेगी, जो एक बहुत ही बड़ी एसयूवी है और प्रॉपर ब्लॉक लाइक स्टाइलिंग को कैरी करती है। साइज वाइज EV9 BMW, Audi और Merc जैसी लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी से मार्जिनली बड़ी है और इस साइज को काफी अच्छे से थर्ड रो सीटिंग के लिए यूटिलाइज किया गया है। साथ में मिडिल रो में आपको स्विवल होने वाली चेयर मिलती है ताकि सेकंड रो वालों को थर्ड रो वालों से गपे मारने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कैबिन भी काफी मिनिमलिस्ट अप्रोच रखता है लेकिन वाइड स्क्रीन के साथ। ह्यूंडई के EGMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। 99.8 किलोवाट आवर बैटरी पैक पावर करेगा EV9 को। सिंगल मोटर वर्जन 200 हॉर्स पावर और 536 किलोमीटर WLTP रेंज डिलीवर करेगा। अलॉन्ग साइड दैट ड्यूल मोटर वर्जन भी आएगा जो 380 हॉर्स पावर एंड 512 WLTP रेंज देगा। EV9 नो डाउट काफी महंगी होने वाली है विद द एक्स शोरूम प्राइसेस एक्सपेक्टेड क्लोज टू 90 लाख रुपीज और EV9 सेल पर आ सकती है मिड 2024 में। सिट्रॉन भी अपनी C3 एयरक्रॉस का इलेक्ट्रिक वर्जन लेट 2024 तक इंडिया में लॉन्च कर सकती है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉस्ट करेगी क्लोज टू 20 लाख रुपीज फॉर द एक्स शोरूम। हालांकि देखना यह है कि C3 एयरक्रॉस में भी 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफर करेगी सिट्रॉन या नहीं। लुक्स और इंटीरियर वाइज सब कुछ सेम ही होने की एक्सपेक्टेशंस है। पावर ट्रेन की डिटेल्स के बारे में अभी हमें ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मॉडल्स को देख के कुछ अनुमान लगाएं तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 44 किलोवाट आवर बैटरी पैक जो 100 किलोवाट आवर फास्ट DC चार्जिंग को सपोर्ट करेगा वो इसको पावर करेगा, 320 किलोमीटर की रेंज देगा और इसके फ्रंट व्हील्स को पावर करेगी 113 हॉर्स पावर वाली इलेक्ट्रिक मोटर। BYD भी अपनी इलेक्ट्रिक सेडान सील को BMW i4 को कंपटीशन देने के लिए इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है अर्ली 2024 में विद एक्सपेक्टेड प्राइस टैग ऑफ 65 लाख रुपीज एक्स शोरूम। ऑटो एक्सपो 2023 में BYD ने सील को डिस्प्ले किया था जो ड्यूल मोटर 530 हॉर्स पावर के साथ ही, लेकिन इंडिया में सिंगल मोटर 312 हॉर्स पावर वर्जन आएगा जो 570 किलोमीटर WLTP रेंज ऑफर करेगा और इसके मोटर्स को जूस प्रोवाइड करेगा 82.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो 150 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। इंटीरियर काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है विद डिजिटल डायल्स एंड 15.6 इंच सेंटर स्क्रीन जिसका आप ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो विद द प्रेस ऑफ अ बटन, और साथ में भूल मत जाना ऑल ग्लास रूफ भी एक काफी मस्त फीचर है। अच्छा बात करते हैं कुछ लग्जरी प्रीमियम EVs की और सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी कार कंपनी की जो बहुत डेडिकेटेड हो गई है टुवर्ड्स ऑल इलेक्ट्रिक फ्यूचर, वॉल्वो। और अगले साल अर्ली 2024 के बाद वॉल्वो अपनी EX90 जो कि इफेक्टिवली न्यू जेन ऑल इलेक्ट्रिक XC90 है उसको लॉन्च कर सकती है जस्ट उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होते ही। इस 5 मीटर प्लस इलेक्ट्रिक SUV का डिजाइन काफी नीट एंड क्लीन है जस्ट लाइक अ टिपिकल वॉल्वो। इंटीरियर में काफी मिनिमलिस्ट अप्रोच है। 14.5 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से सारे फंक्शन कंट्रोल किए जाएंगे। XC90 की तरह EX90 में भी 3 रो सीट्स मिलेंगी, 2 वर्जन ऑफर किए जाएंगे और दोनों ही ड्यूल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप में होंगे। पहले वर्जन में आपको 407 हॉर्स पावर डिलीवर करेगा और दूसरा वर्जन आपको डिलीवर करेगा 515 हॉर्स पावर जिनको पावर करेगा 111 किलोवाट आवर का बैटरी पैक विद WLTP रेंज ऑफ 585 किलोमीटर। अच्छा अगर आपका मन एक हाई एंड अल्ट्रा लग्जरी EV लेने का है तो आपको मर्सिडीज की Maybach EQS SUV काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। 2024 में इंडिया में आने वाली है और फर्स्ट Maybach वेरिएंट होगा जो EV में आएगा। डिजाइन वाइज Maybach SUV डिजाइन को रिटेन करेगी और ड्यूल टोन कलर ऑप्शन भी आपको मिलेगा। इंटीरियर में आपको मिलेगी Merc की हाइपर स्क्रीन फ्रंट सीट्स के लिए, हालांकि इसकी बेस्ट सीट्स यानी कि सेकंड रो सीट्स में आपको मिलेंगे इंडिविजुअल लेग एक्सटेंशंस, वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाजिंग फीचर के साथ। रियर सीट एंटरटेनमेंट पैकेज में सेकंड रो सीट वालों के लिए 11.6 इंच स्क्रीन ऐड हो जाएगी और साथ में ऐड होगी एनहांस्ड नॉइस कैंसिलेशन। 649 हॉर्स पावर ड्यूल मोटर सेटअप व्हील्स को ड्राइव करेंगे जिन
मोटर्स को जूस प्रोवाइड होगा 108 किलोवाट आवर बैटरी पैक से। 600 किलोमीटर के आसपास की इसकी WLTP रेंज होगी और इन सब पावर, लग्जरी एंड कंफर्ट के लिए आपको लगभग 3 करोड़ तक लगाने पड़ सकते हैं, ऐसा हमारी एक्सपेक्टेशन है। BMW अम्ब्रेला से 2024 में काफी EVs आने वाली है, जिसमें से एक तो है i5 और दो मिनी के रूप में है। तो सबसे पहले BMW i5 को डिस्कस करते हैं, जो लेट 2024 में BMW के एक्सपेंडिंग EV लाइनअप को ज्वाइन करेगी। दिखने में लेटेस्ट जनरेशन 5 सीरीज सिबलिंग से काफी मिलती जुलती है और सेम ही स्टोरी इंटीरियर्स के साथ भी है। सेम ही आपको ड्यूल स्क्रीन डोमिनेटेड डैश मिलता है, लेकिन जहां 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस में इंडिया में आने वाली है, i5 स्टैंडर्ड व्हील बेस के साथ ही आएगी। 84.3 किलोवाट आवर का स्लिम बैटरी पैक होगा अंडर द फ्लोर, सो दैट जो रियर सीट्स का कंफर्ट है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। नेक्स्ट जेन मिनी ऑलरेडी रिवील हो चुकी है और इंडिया में ऑल इलेक्ट्रिक अवतार में आएगी। डिजाइन वाइज ये क्लासिक मिनी है राउंड डिटेल्स के साथ। डैशबोर्ड पर भी आपको राउंड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें डिजिटल डायल्स भी होंगे। भारत में मोस्टली चांस है कूपर ई आने के, विद 184 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर, जिसको पावर करेगा 40.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जो डिलीवर कर सकता है 305 किलोमीटर तक की WLTP रेंज। मिनी इंडिया में फुल इंपोर्ट रूट से आएगी, मतलब वो महंगी होगी और कॉस्ट कर सकती है समवेयर अराउंड 58 लाख रुपीज तक एक्स शोरूम, ये एक्सपेक्टेड है। थर्ड जेन मिनी कंट्रीमैन भी भारत आएगी और इंटरनल कंबशन इंजन पावर ट्रेन के साथ ऑल इलेक्ट्रिक ऑप्शन भी लॉन्च होगा, जो BMW iX1 के साथ अपने स्पेक शेयर करेगी। मतलब 313 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर, ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन, मोटर्स को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगी, 66.45 किलोवाट आवर बैटरी पैक और लगभग 433 किलोमीटर तक की रेंज आपको दे सकेगी। प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन है कि 70 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होने चाहिए। VW की तरफ से भी 2024 में हमें एक EV देखने को मिलेगी और क्योंकि वो इंपोर्ट होके आएगी, इसीलिए उसकी कॉस्ट भी कम नहीं होगी। 55 लाख रुपीज एक्स शोरूम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और EV का नाम है ID4, जो कि Volkswagen ग्रुप के MEB प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। लार्ज व्हील बेस है, लेकिन लुक में थोड़ा SUV लाइकम और क्रॉसओवरिश ज्यादा है। इंटीरियर में 12-inch फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन, साथ में स्टीयरिंग के पीछे स्मॉल डिजिटल डायल्स, स्पेस के ऊपर काफी एम्फेसिस है और कैबिन काफी एरी है। इंडिया में मोस्टली GTX फॉर्म में आएगी ID4, मतलब ड्यूल मोटर सेटअप जो 299 हॉर्स पावर बनाएगा और 0-100 तक सिर्फ 6.2 सेकंड्स में क्लॉक करेगा। मोटर्स को जूस प्रोवाइड करेगा ये 77 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जो 480 किलोमीटर WLTP रेंज के लिए भी रेटेड है। मूविंग ऑन टू द Skoda Enyaq 4 और IV। Enyaq 4 भी Skoda की भारत के लिए फर्स्ट EV होगी, जो VW के MEB प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेस्ड होगी। स्टाइलिंग इज क्रिस्प, लेकिन यहाँ भी स्टांस थोड़ा सा क्रॉसओवरिश ही है और इंटीरियर यहाँ भी काफी एरी और टेक लोडेड है। Enyaq 4 को इंडिया में ATX फॉर्म में Skoda टेस्ट कर रही है, मतलब ड्यूल मोटर सेट, जो कंबाइंड 265 हॉर्स पावर डिलीवर करेगा। इन मोटर्स को जूस मिलेगा 82 किलोवाट आवर बैटरी पैक से, जो 460 किलोमीटर की WLTP रेंज भी देंगे। इंपोर्टेड होगी, इसलिए महंगी भी होगी और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 55 लाख रुपीस के आसपास इसके एक्शोरूम प्राइसेस होने चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, Porsche Macan भी अब इलेक्ट्रिक होने वाली है अपनी सेकंड जेन में। अर्ली 2024 में रिवील हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी Macan अपनी टेस्टिंग की फाइनल स्टेजेस पर है। इंडिया में भी बुकिंग सेम डे ओपन हो जाएगी जब ग्लोबल बुकिंग स्टार्ट होगी। स्पेक्स की ज्यादा डिटेल्स तो अभी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि सिंगल रियर मोटर और ड्यूल मोटर वर्जन आएंगे। ऑल व्हील ड्राइव ड्यूल मोटर रेंज टॉपिंग वर्जन होगा विद 600 प्लस हॉर्स पावर। 100 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा इन मोटर्स के लिए और लास्ट करेगा फॉर अ WLTP रेंज ऑफ 500 किलोमीटर। इंटीरियर लेटेस्ट KN जैसे हो सकते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके एक्सशोरूम प्राइसेस 1.1 करोड़ रुपीज से शुरू हो सकते हैं। और ये हो गई 2024 में आने वाली कुछ मात्र 17 EVs। इसके अलावा और भी आएंगी, जिनकी डिटेल्स हम आपको वक्त के साथ आगे देते रहेंगे, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप लोगों को कौन सी EV पसंद आई है या आप किसका वेट कर रहे हैं वो हमें कमेंट करके बताइए। क्या आपको भी EV कूल लगती हैं? अपने व्यूज भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक आप लोग सेफली ड्राइव करिए। सी यू अगेन।